ये जो पुल है इसकी लाइट जल गई और अब ये काफी अच्छा लग रहा है। काफी सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, इसका तेल। थोड़ा लंबे टूर भी जा रहे हैं ना, रात को घर लौटेंगे फिर बाइक में तेल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल का रास्ता है, भयानक रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पहाड़ी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं न्यूटेरी के एक खूबसूरत जगह पर जाने वाला हूँ। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ आज। तो आपको आज काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं और ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस जगह पर मैं आज जा रहा हूँ तो ये काफ़ी फेमस जगह है न्यूटेरी में और हर कोई यहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहता है। तो आज हम जा रहे हैं, घर से निकल गए हूँ और अभी हमारे साथ आसी भाई भी हैं, वो भी चलेंगे मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों मैं रोड में पहुँच गया और अब निकलते हैं यहाँ से आगे, और आगे अभी आसी भाई भी हैं। तो चलो दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वहाँ से हम रात को ही घर लौट पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो नज़ारा है वो रात में भी काफ़ी बढ़िया दिखता है। तो कुछ शूट हमको रात को भी निकालने होंगे और घर आते आते हमको काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहो, काफ़ी अच्छा नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आपको आएगा इस ब्लॉग में। तो ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। यहाँ पर हमको आसी भाई भी मिलने वाले हैं, तो चलिए पहले आसी भाई से मिल लो। दोस्तों ये आसी भाई मुझे मिल गए और ये लांगड़ार का मार्केट है और अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। हाँ भैया, तो दोस्तों हम यहाँ से निकल गए लांगड़ार से और अभी आपको बीच में काफ़ी अच्छे से नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहो। और अपने सूरज भाई को पब्लिक मांगती है गाइस। और ये आसी भाई थोड़ा अलग भाषा वाले हैं। हाँ भाई, यहाँ पर बहुत ख़राब रोड है, ये देख सकते हैं यहाँ पर गारे गारे हो रखे बस। आसी भाई डरना मत है। नहीं नहीं, और देख सकते हो गाइस आप लोग, ये यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था बट लेकिन हुआ नहीं अभी। कार्य है हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो जाखणीदार का मार्केट, सूरज भाई ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं आज डोगरा चांटी। तो फाइनली हम लोगों ने रिवील कर दिया कि हम लोग किधर जा रहे हैं गाइस। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं फिर आपको। ये देखिए गाइस कितना भयानक ये देखिए गाइस जाखणीदार का मार्केट, और यहाँ से अभी पड़ेगा टिपरी। तो गाइस अभी सूरज भाई अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो कि डलवाना बहुत ही ज़रूरी है इसका तेल। थोड़ा लंबे टूर भी जा रहे हैं ना, रात को घर लौटेंगे फिर बाइक में तेल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सूरज भाई अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं। तो देखते हैं अभी आगे का व्यू कैसा कैसा रहता है। अभी यहाँ से मस्त व्यू होने वाला है, आप लोग बन रहो और आपको मज़ा आएगा ब्लॉग में। बीच में आपको दिखाएंगे अच्छे से व्यू नज़ारे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बने रहो, लाइक करो और शेयर करो गाइस, और सूरज भाई को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस दिलवाओ। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं टिपरी में, ये देखिए ये टिपरी जो कि मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। तो अभी डैम में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से आगे चलते हैं, ये देखिए टिपरी नई टिहरी स्केच, देहरादून, हरिद्वार, पिपलटाई पुल, लमगांव, गंसाली, उत्तरकाशी, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों हम टिहरी डैम से आगे निकल गए और डैम में मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दो रोड दिख रही होगी, एक ऊपर वाली जो है ये जा रही है चंबा ऋषिकेश, और जो यहाँ से नीचे जा रही है ये जा रही है डोबरा चांटी पुल के लिए। तो हमको नीचे वाली रोड पे जाना है यहाँ से नीचे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये डोबरा चांटी का यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ, डोबरा चांटी पुल 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो चले भाई निकलते आगे। डोबरा चांटी पुल दोस्तों न्यू टिहरी की मतलब काफ़ी फेमस जगह है, ये जब ये नया नया बना था तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे घूमने के लिए काफ़ी संख्या में, और काफ़ी लोग यहाँ पर जाना भी चाहते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस जगह है और रात को यहाँ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखता है, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये रात में मतलब दिन में नॉर्मल है और रात में ये काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा व्यू है इसका रात में, तो हम आज आपको दिखाएंगे।
ये रास्ता दोस्तों बहुत खतरनाक है। अभी तक मुझको इस रोड पर कम से कम 100 से भी ज़्यादा मोड़ मिल गए, मतलब दो कदम जा रहे हैं फिर मोड़, दो कदम जा रहे हैं फिर मोड़, ऐसा हो रहा है इस पर। अगर यहाँ पर बस या ट्रक आता है तो उसे क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो वो आसानी से क्रॉस नहीं होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये देखिए ये बस आ ही गई बोलते बोलते, तो अगर यहाँ से भी बस आएगी वहाँ से भी बस आएगी तो मुश्किल हो जाएगा, फिर क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों हम डोबरा चांटी पुल पहुँचने वाले हैं, और इस रोड पे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई मोड़ की, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा मोड़ हैं, 500 से भी ज़्यादा मोड़ होंगे यहाँ पर। डोबरा चांटी आते आते यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा मोड़ आपको मिलने वाले हैं। देखिए एक यहीं पर है अभी, और ये देखिए सामने डोबरा चांटी पुल हमको दिख रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मोड़ आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर संभल के आना पड़ेगा, अगर आप स्पीड में रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। बाकी हम पहुंचने वाले हैं अब डोबरा चांटी पुल, और देखते हैं कैसा व्यू है यहाँ का, कैसी लोकेशन है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हम पहुंच गए हैं डोबरा चांटी पुल, और बाद में रात में ये और भी बढ़िया दिखेगा, अभी तो ये कुछ नहीं है लेकिन बाद में ये बहुत बढ़िया दिखने वाला है। ये जो यहाँ पर आपको पुल दिख रहा है उसे कहते हैं डोबरा चांटी पुल, जिसे आप अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये दिन में इतना खास नहीं है जितना ये रात में है, तो हमको रात को भी यही करना पड़ेगा थोड़ी देर तक, उसके बाद जाएंगे हम। हमको यहाँ से रात का शो भी निकालना है। देखिए डोबरा चांटी पुल हम पहुँच गए हैं, यहाँ से दोस्तों पुल स्टार्ट हो गया, और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन रात में इसका नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखता है, और ये जो पुल है रात के लिए ही जाना जाता है ये। तो देखते हैं, अभी रात का इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर अंधेरे का, उसके बाद चलेंगे हम घर। ये देखिए काफ़ी लंबा है, तो हम यहाँ पर रुकने वाले हैं जब तक अंधेरा ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा, और थोड़ा थोड़ा दोस्तों ये हिल रहा है अभी। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर बाइक लगा लेते हैं, और सुबह से कुछ खा भी नहीं रखा हमने, तो पहले हम कुछ यहाँ पर खा लेते हैं उसके बाद देखेंगे फिर। तो चलिए यहाँ पर बाइक लगा ली मैंने, अब हम यहाँ पर पहले कुछ खा लेते हैं। तो दोस्तों हम डोबरा चांटी पुल पहुँच गए, रात का एक सूट निकालना हमको यहाँ से, उसके बाद जाएंगे हम घर यहाँ से जाएंगे। अच्छा, और हमने मतलब कुछ खाए नहीं अभी, तो हम यहाँ पर थोड़ा कुछ खा लेते हैं पहले यहाँ पर देखें। और ये यहाँ पर पुल है सामने, तो दोस्तों हम मोमोज खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दाल चावल या रोटी सब्जी तो है नहीं, तो हमको मोमोज ही खाना पड़ रहा है। तो दोस्तों हमने काफ़ी देर तक यहाँ पर आराम कर लिया, वहाँ पर बैठे थे अभी, थोड़ा लंच वगैरह हमने किया, और अब हम पुल में जा रहे हैं। घूमिए पुल डोबरा चांटी पुल, काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, टीवी में अभी आपको घुमाएंगे और भी जगहों पर जहाँ पर अच्छा अच्छा व्यू होगा, अच्छे नज़ारे होंगे, आपको दिखाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हमको सपोर्ट करो। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मेरा सब्सक्राइब बेस बढ़ गया तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ये मैं कहता रहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं हर किसी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। शायद मैं उत्तराखंड में ऐसा यूट्यूबर ना मिले जो सबको सपोर्ट करता है, लेकिन तुम्हारा सूरज भाई करेगा। दोस्तों ये जो पुल है पूरा लंबा 440 मीटर लंबा है, 440 मीटर लंबा पुल, बीच का एरिया जो इसका। शाम के टाइम पे दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं अंधेरे का, जब अंधेरा होगा तो इसका जो नज़ारा है वो बदल जाएगा। यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो गया, और जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे
वो काम भी यहाँ पर इन्होंने कर लिया। तो ये जो पुल है इसकी लाइट जल गई और अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका जो व्यू है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार वहाँ पर पैदल जाऊँगा, एक चक्कर मारेंगे और आपको दिखाऊँगा मैं यहाँ पर कैसे कैसी लाइट है, कैसा नज़ारा है अभी रात का, ये जो है डोर चांटी पुल। एक बार मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक चक्कर मार के भी। और ये जो लाइट है ना, ये वाली लाल है जो, ये मतलब चेंज हो रही है, अभी देखो ग्रीन हो गई, बाद में फिर येल्लो, ऐसे ऐसे करके मतलब बदल रही है, चेंज हो रही है। ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आ रखे हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया और लाइट से चेंज हो रही है, कभी रेड आ रही है कभी ब्लू। रात में यहाँ पर घूमने का कुछ अलग ही मज़ा है, देख सकते हैं आप लोग। अभी दोस्तों हमको यहाँ से घर भी जाना है, काफ़ी रात हो गई है और आप लोगों के लिए हम यहाँ पर रुके थे और लोग यहाँ पर मज़े ले रहे हैं अभी रात में, आखें काफ़ी सारे लोग। तो मतलब रात में तो यार यहाँ पर मतलब मौसम भी सही है, ठंडा मौसम है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप आओगे यहाँ पर घूमने के लिए, ठंडा एकदम। और यही सूट निकालने के लिए हम यहाँ इतनी देर तक रुके हुए थे, ये सूट निकालने के लिए जो मैं अभी बना रहा हूँ रात को। मंकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखे हैं, देखिए बंदर। तीन बजे हम आए और ये जो लाइट्स हैं ये जल रही है 7:30 बजे। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा यहाँ का, ये जो व्यू है आपको कैसा लगा। और आपके लिए यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह आ गए थे यहाँ पर और ये सूट निकालने के लिए, अब हम अभी तक यहाँ पर रुके हुए हैं 8 बजे तक, तो काफ़ी मेहनत लगता है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ये मैं वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ। देखिए पूरा पिंक हो रखा है अभी, यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से दिखा दिया जो यहाँ का ये नज़ारा है। तो हमारे लिए काफ़ी लेट हो गई है घर जाने के लिए, अब हम यहाँ से घर निकलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि हम यहाँ भी काफ़ी दूर जाना है। तो दोस्तों यहाँ से हम घर के लिए निकल गए डोरा चांटी पुल से, और यहाँ से कम 2 घंटा लगेगा घर जाते जाते, और उसके बाद फिर मुझे 4 किलोमीटर चढ़ाई पे चढ़ना है, जंगल का रास्ता है गांव के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरे गांव में अभी रोड नहीं जा रखी, तो मुझे अभी पैदल भी जाना है 4 किलोमीटर जंगल का रास्ता है। और मेरे बैग में टॉर्च ला रखी अपनी, क्योंकि मुझे पता था रात होने वाली है इसीलिए मैंने टॉर्च भी ला रखी है। तो यहाँ से तो हम निकल गए, अभी यहाँ से 2 घंटा लगेगा, उसके बाद फिर चढ़ाई चढ़नी है। इस रोड पर दोस्तों हमको संभल संभल के चलना पड़ेगा, अभी रात का टाइम है और जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा मोड़ है, 500 से भी ज़्यादा मोड़ है यहाँ पर, तो संभल संभल के चलना पड़ेगा अभी, क्योंकि मोड़ पर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर ज़्यादा जगह भी नहीं है, 2 गाड़ी यहाँ पर क्रॉस नहीं हो सकती आसानी से।
तो दोस्तों हम डोर चांटीपुर से घर आ गए और आसिफ भाई जी अपने घर चले गए। उनका घर रोड में है लेकिन मेरा दो बहुत दूर है यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर जाना होगा और चढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग रही है। जंगल का रास्ता है, भयानक रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों हमारे गांव में रोड नहीं है। तो दोस्तों कल मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया क्योंकि हम वहाँ से काफ़ी रात को आए और मुझे थकान भी लग गई थी। आप लोगों ने देख लिया होगा मैं जंगल के रास्ते से ऊपर आया क्योंकि हमारे यहाँ रोड नहीं है। अब बोलना भी किसके लिए कि हमारे यहाँ रोड आओ, कोई सुनता तो है नहीं। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी। मेरे पास एक टॉर्च थी, मुझे पता था कि मैं रात को घर आऊँगा तो मैं टॉर्च लेके गया था अपने पास। और 10 बज रही थी और कोई नहीं था यहाँ पर, पूरा गांव मतलब सुनसान हो गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोगों ने देख लिया कितना मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करो मुझे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा बाद में जब मेरा सब्सक्राइब बेस बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों।